क्या करना है, कुर्सी आपको लेकर आए? सर ये कुर्सी लेके आया हूँ, कुछ ना स्टेप्स हैं, डेरे डेरे में खड़ा हूँ अब 25-30 सेकंड इसके ऊपर। जी क्या कर रहे हैं? ठीक है आ जाए, आए करीब आए, ये भी भाई खड़े ना एक कंटेस्टेंट, आ जाए आपको इनविटेशन दूंगा। मुर्गा बन जाना है आपने और कमर ऊपर रहनी चाहिए, जिसकी कमर इतनी सी भी नीचे आए आप बता देना बाहर चले जाना। बने कमर ऊपर करें जो सबसे कोने पे है। नेक्स्ट। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। कैसे आना हुआ? टांग नीचे करें। थैंक यू सर। सॉरी सर। सर बस काफ़ी सुना था आपके इस डेयरिंग प्रोजेक्ट के हवाले से सर, लिविंग ऑन द एज काफ़ी एडिशन मैंने देखे हैं इसके। इनमें से किसकी कमर आपको नीचे लग रही है? सर चकवाल वाले भाई की। चकवाल वाला भाई कौन सा है? सर ये कोने वाले इस तरफ से। तो देखे तो सही, बगैर देखे कोई अगली आंखें जहाँ से देख रहे हैं देखे तो सही। इनको कहें ये रिजेक्ट हो गए, इनको भेज दें। चकवाल वाले भाई सॉरी यार, वकार भाई कहने पर मैं आपको कह रहा हूँ लेकिन सॉरी, आप जा सकते हैं। जी सर क्या खिदमत करें आपकी? सर ये बस सिलेक्शन कर दें मेरी, और तो कोई खिदमत नहीं चाहता आपसे मैं। तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सर मैं डेरे इख्तियार करके भी आया हूँ, अगर आप कहेंगे तो वो कर दूंगा। या तो आप मुझे कहेंगे कंक्रीट वॉल को मैं पंच कर सकता हूँ सर, जितना आप कहेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि अगर आप वो कहते हैं कि वो ना करो, दूसरा ये है कि सर ये मेरा बुक है सर, कोई माई का लाल बुला लें सर, यहाँ पर पंचिंग करता रहे मैं उठूंगा नहीं, यहीं बैठा रहूँगा, चलाऊँगा नहीं हाथ यहाँ से। अब आप खड़े हो जाएं एक मिनट के लिए सर, क्योंकि देखें इस शो में चैलेंजेस तो बाद में आते हैं। ठीक है सर। पहले हम ये देखते हैं जो बंदा आया है वो एंटरटेनिंग है या नहीं। यस सर। ठीक है ठीक है। एक मिनट तक इस कैमरे में कुछ ऐसा करना है कि सब लोग हंस पड़े। कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो पठान है बिल्कुल ही गई गुजरी कौम है। एक मिनट वहाँ बैठ जा। जितने भी बड़े बड़े जोक्स करने वाले लोग हैं ना, कभी भी किसी भी कौम को खुद नहीं बोलते कि वो गई गुजरी कौम है। सॉरी सर। घटिया तरीन सोच होती है, आप जोक मार सकते हैं लेकिन आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो घटिया तरीन कौम है। आई एम सॉरी सर। कोई बंदा घटिया हो सकता है ना, जैसे आपकी सोच घटिया है। सर मैं कहना चाह रहा था कि मतलब ये अक्सर जोक्स आते रहते हैं पठानों के हवाले से, मैं पहले आप जो इसकी शुरुआत ही आप ऐसे करेंगे ये गुजरी हुई कौम है ये यूं है। चल सर आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं इसको दोबारा से रीटेक कर देता हूं। सॉरी सर। लड़की छेड़ी कभी आप? पहले सर लड़की छेड़ी कभी नहीं, ये है कि फ्लडिंग फ्लड करना मतलब करते कैसे फ्लड करते हैं आप? गुजरते छेड़ दिया जी, हाँ जी कैसी हैं, ये है वो है, आप बहुत प्यारी हैं, बस इसी तरह हल्की फुल्की फ्लडिंग की, सीरियस नेचर की नहीं की कभी। शादी हो गई आपकी? जी सर माशाल्लाह। शादी के बाद आप सही हुए या उससे पहले? सर मैं 2005 के जल्दी। अच्छा शादी उसके बाद हुई है? सर शादी माशाल्लाह। अरेंज मैरिज है? जी सर। कितने बच्चे हैं आपके? सर माशाल्लाह एक बेटी है मेरी 1 साल की। तो यहाँ पर क्यों आ रहे हो यार? सर मैं बेसिकली सर मैं खुद को मनवाना चाह रहा हूँ सर, हमारे यहाँ ये थोड़ा कोई और मनवाएं, कोई काम करके मनवाएं, कोई जॉब नहीं करते आप? सर मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, जॉब मैंने सर्च कर रहा हूँ सर, इंशाल्लाह मिल जाएगी, अल्लाह बा खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी सर ये है कि बेसिकली जो मेरा मोटिव है सर, मैं मीडिया पे आना चाहता हूँ सर, मैं वो इमेज दुरुस्त करना चाहता हूँ जो हमारे सो कॉल्ड एक्सट्रीमिज्म ने जो हमारा इमेज चले आ जाए। यार ये नहीं करना, ये नहीं करना, बस ये नहीं किया करो, ये नहीं किया करो। देखो आप कंपटीशन में हारे हो। okay, सर, मैं आपको, मैंने हराया आपको। सर आपने आगे बालों का कहा था कोई ग्राम यार, लेकिन सर प्लीज मैं नहीं जाना चाहिए यार। सर एक सिस्टम सर क्योंकि सर मैंने काफी मेहनत की है, 3 साल से आपका इंतजार कर रहा था कि कभी आप आए और इंशाल्लाह कि मैं ऑडिशन अपना दूं। सर आ जाए यार। सर प्लीज सर मैं आपको कह रहा हूँ सर आप एक को ही दे दे, मैं अगर ना करूँ फिर बात करें सर। चांस ना मारे दूसरे का, बाहर बहुत लड़के खड़े हैं आज, अब मुकाबले में आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, वो पागल है जिस तरह खड़े हैं। आ जाए। आखिरी फिल्म कौन सी देखी आपने? सर लास्ट फिल्म जो मेरी पसंदीदा है, मैं जब भी वो केबल पे लगती है, जब भी मैं मतलब खुद में टाइम मिलता है। भाई इतनी तमीज क्यों बांधते हो, डायरेक्ट आंसर क्यों? सॉरी सर। 3 इडियट्स मुझे बहुत पसंद है और मुन्ना भाई MBBS मुझे बहुत पसंद है, दोनों में आप कितने बड़े इडियट शौक से देखता हूँ सर। हर इंसान में कोई ना कोई फॉल्ट होती है, कहीं ना कहीं मैं भी इडियट हूँ। क्या आपने ऐसी हरकत की आज तक? सर हरकत ये कह सकता हूँ कि लड़की थी ठीक थी हरकत ये कह सकता हूँ कि लड़की थी ठीक थी।
इस कंटेस्टेंट ने क्या बोला होगा? नेक्स्ट एपिसोड से पहले अपना जवाब ईमेल करके माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की मर्चेंडाइज जीतिए।